ये बात हम सबको पता है दोस्तों कि अर्जुन कपूर ने कभी भी श्रीदेवी के जीते जी श्रीदेवी को और जाह्नवी और खुशी को अपनाया नहीं। जी हाँ दोस्तों, और ये बात उन्होंने इंटरव्यू में भी कही थी कि मेरे लिए श्रीदेवी एग्जिस्ट नहीं करती, मेरी सौतेली माँ है भले ही वो, लेकिन मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करती, ना ही जाह्नवी कपूर मेरे लिए एग्जिस्ट करती है, ना ही खुशी कपूर। आपको बता दूं दोस्तों, श्रीदेवी के सडन डिमाइस ने सारी सिचुएशंस को बदल दिया है। यहाँ पर अर्जुन कपूर अपने बड़े भाई का कर्तव्य निभा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो जैसे ही श्रीदेवी के निधन की खबर सुनते हैं अर्जुन कपूर उस वक्त पंजाब में अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे दोस्तों। उन्होंने अपनी शूटिंग छोड़ी और वो वापस मुंबई आए। मुंबई आते ही उन्होंने जाह्नवी कपूर और दोस्तों खुशी कपूर को संभाला। रोती बिलखती जाह्नवी के ऊपर दोस्तों एक पहाड़ सा टूट पड़ा था। अर्जुन कपूर ने बड़े भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई। उसके बाद दोस्तों वो दुबई के लिए रवाना हो गए और वहां पर उन्होंने श्रीदेवी के पार्थिव शरीर को इंडिया वापस लाने में अपने पिता बोनी कपूर की मदद की। बता दूं आपको दोस्तों, अब आपको बता दूं दोस्तों कि कपूर फैमिली एक हो चुकी है। कपूर फैमिली में कोई गिले शिकवे नहीं रहे। अर्जुन कपूर ने अपनी बहनों को खुशी कपूर और जाह्नवी कपूर को संभाला है दोस्तों। आगे जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर की रिस्पॉन्सिबिलिटी डेफिनेटली अर्जुन कपूर उठाना चाहेंगे दोस्तों। आपको बता दूं कि सोनम कपूर भी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना चाहती हैं और सोनम कपूर पूरी तरीके से अपनी बहनों के साथ है।